हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटे, आज मैं तुम्हें ही मिस कर रहा था। आज मैं उसी गार्डन में बैठा हूँ जहाँ बचपन में मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाया करता था। तुम्हें याद है? आज भी एक कहानी सुनाएंगे प्लीज। क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? एक सौ 135 करोड़ की आबादी वाले देश में किसी का पैदा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने घर में पैदा होता है तो ये बड़ी बात होती है। वो जब पैदा हुआ तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अपने पापा के लिए वो पूरी दुनिया था। उसकी माँ के जाने के बाद दोनों जानते थे कि वो आज भी उनके दिल में जिंदा है, आज भी उनके साथ है। उसकी माँ का एक ही सपना था कि उसका बेटा देश के लिए कुछ करे। वो हमेशा कहती थी कि हमारे देश की मिट्टी में जवानों का खून और किसानों का पसीना मिला है। मुझे तुम पे गर्व है बेटा, माँ का एक ही सपना था कि उसका बेटा देश के लिए कुछ करे। वो हमेशा कहती थी कि हमारे देश की मिट्टी में जवानों का खून और किसानों का पसीना मिला है।